नमस्ते, मैं हूँ सीमा एंड यू आर वॉचिंग अनुभूति। और आज हमारा टॉपिक है हाउ टू रेज आवर वाइब्रेशंस एंड हाउ टू रिवॉल्व एट अ हाई फ्रीक्वेंसी। अब क्यों ज़रूरत है, क्यों ज़रूरी है कि हमें हाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर रिवॉल्व करना चाहिए या वी शुड रेज आवर फ्रीक्वेंसीज। जब हम अपनी फ्रीक्वेंसी को, अपनी वाइब्रेशंस को ऊपर लेके जाते हैं तो हम ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव होते हैं, ज़्यादा पैशनेट होते हैं, ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं अपने लोगों से, अपनी लाइफ के साथ, और हम बहुत कुछ पॉजिटिव सोचते हैं और अच्छा फील करते हैं, हैप्पी रहते हैं, और पता नहीं क्या क्या हमारे बॉडी में चेंजेस आते हैं और हम हेल्दी हो जाते हैं और हमारा इम्यून सिस्टम भी ठीक हो जाता है। पर तरीका क्या है अपने वाइब्रेशंस को ऊपर लेके जाने का और अपने को हायर फ्रिक्वेंसी में लेके जाने का? तरीका सिर्फ सिंपल ही है। आपको मालूम है एक थॉट हमारे पास कितनी देर तक रहता है? एक थॉट हम केवल 90 सेकंड्स तक उसको महसूस करते हैं और उसके बाद वो थॉट चला जाता है। लेकिन ज़रूरी ये है कि हम अपने थॉट को कैसे समझते हैं, कैसे उसको माइंडफुली उस पर एक्ट करते हैं। माइंडफुली यानी जो थॉट है उसको हम कितना बढ़ा देते हैं या उसमें कुछ पॉजिटिव चीज़ लेके आते हैं या उसको देखते हैं कि इसको एक थॉट की जैसे देखें, बस उसे हट जाए। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको मालूम था कि हमारे पास एक थॉट 90 सेकंड्स तक रहता है और वो पावर हमारे पास है, उसको हम कैसे फील करें, कैसे उसको रिफ्लेक्ट करें और क्या उससे लाइफ में अपने को चेंजेस लेके आने हैं। जब हम थॉट्स की पावर की बात करते हैं तो थॉट से ही हमारे अंदर कोई फीलिंग्स आती हैं और फीलिंग से ही हम एक्शन लेते हैं। तो जो हमारे विचार हैं वो हमें हमारी एक्टिविटीज़ को, हमारा दिन कैसा निकलने वाला है या हम किसी सिचुएशन या लोग के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में क्या सोच रहे हैं, वो बहुत डिपेंड करता है। तो हमें ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि हमारी फ्रीक्वेंसी हमेशा हायर लेवल पे रहे, क्योंकि हमें पीक परफॉर्मेंस पे ही काम करना है। वी हैव टू गिव अ पीक परफॉर्मेंस। ऐसा नहीं कि हमने परफॉर्म किया कुछ भी ल्यूक वार्म तरीके से तो लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं होता। और सबसे ज़्यादा अचीवमेंट से ज़्यादा हम खुद ही फील गुड नहीं करते हैं, अंदर ही हमें अच्छा नहीं लगता है। ज़रा सा भी हम जो चाहते हैं वैसा नहीं होता तो हमें अंदर ही अच्छा नहीं लगता है और फिर हमारे अंदर, बॉडी के अंदर फिर अलग तरीके की वाइब्रेशंस होने लग जाती है जो हमें फर्दर नेचर लेके जाती है। तो बहुत ज़रूरी है हमें अपने अंदर उस लेवल को, पीक लेवल पे लेके जाना, हमेशा माइंडफुल रहना। अब माइंडफुल रहने का मतलब क्या है? माइंडफुल रहने का मतलब है कि हम सजग रहें, हम जो भी कर रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं, जो भी सोच रहे हैं वो हमारे कंट्रोल में होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए। और आपको पता है जब हम ध्यान देने लग जाते हैं, जब हम क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, अगर हम माइंडफुल हो जाते हैं तो वो थॉट वहीं रुक जाते हैं और हमारा एक्शन भी, हम उसको रोक सकते हैं। पर होता ये है कि हम बेख्याली में जीते हैं, बेख्याली में ही सारा काम करते हैं और क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं उसका कहीं कोऑर्डिनेशन नहीं होता है। अब सिंपल सिंपल सी चीज़ें होती हैं जिससे हमारा जो वाइब्रेशंस हैं बॉडी के या माइंड के वो हायर लेवल पे जाएं। सबसे पहले ज़रूरी होता है कि आप अपने बॉडी के अंदर जाएं, यानी बॉडी को फील गुड कराएं, बॉडी में एंडोर्फिन्स को बढ़ाएं। और इसके लिए आप अच्छी एक्सरसाइजेस करेंगे, कुछ योगा करेंगे, एक्सरसाइजेस करेंगे और अपने अंदर, बॉडी के अंदर जाएंगे। ऐसी एक्सरसाइज नहीं करेंगे जिसमें आप टूट के थक के साइड में हो जाएं, पर वो जो आपको अच्छा महसूस कराएंगे, चाहे आप 15 मिनट के लिए करें, चाहे आप 10 मिनट के लिए करें, बट दैट्स इम्पॉर्टेंट हाउ यू हैंडल योरसेल्फ। अब आती है चीज़ आपकी कि आप लाइफ में अपने और क्या अचीव करना चाहते हैं। क्या आप अच्छा कनेक्शन चाहते हैं? क्या आप अच्छे रिश्तों को बनाना चाहते हैं? तो ज़रूरी क्या होता है कि आपको प्रेजेंट मोमेंट में रहना है। तो प्रेजेंट मोमेंट में आप कैसे रहोगे? प्रेजेंट मोमेंट में रहने के लिए आप अगर कोई किताब पढ़ रहे हो तो आप उस समय, ये नहीं कि किताब आपके सामने और विचार आपके 10 जगह जा रहे हैं, आप 4 जगह घूम रहे हो। तो बहुत बहुत ज़रूरी होता है कि आप एक ही जगह रहें, उस किताब को पढ़ें। अगर कुछ काम कर रहे हैं तो पूरा 100% उसमें अपना एनर्जी उसमें लगाएं, अपने दिमाग उसमें लगाएं, अपने विचारों को उधर ही लेके जाएं। तो जब आप प्रेजेंट होंगे सिचुएशन में, उस सिचुएशन में रहेंगे तो आपको, आपकी जो वाइब्रेशंस है वो हमेशा हायर फ्रिक्वेंसी पे रहेगी। क्योंकि या तो फ्यूचर की चिंता होती है या पास्ट को लेकर रिजेंटमेंट होता है, क्योंकि पास्ट में जो घटनाएं घट गई हैं उस पर भी कंट्रोल नहीं होता है, लेकिन सोच के हमें दुख जरूर होता है और वो हमारी फ्रीक्वेंसी को नीचे लेके आते हैं, हमारी वाइब्रेशंस को नीचे लेके आते हैं और हमारी जो
पीक परफॉर्मेंस से हम अचीव नहीं कर पाते, तो हमें ज़रूरत होती है उस समय हम प्रेजेंट मोमेंट में रहें। उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, हमें अगर ऐसा लगता है कि हम जो हैं थोड़ा सा हमारी फ्रीक्वेंसी जो है वाइब्रेशंस की नीचे जा रही है, तो हमें माइंडफुल मेडिटेशंस करने चाहिए। इसका जिक्र हर जगह मिलता है लेकिन हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं। माइंडफुल मेडिटेशन करने से लाइफ में बहुत मिरेकुलस चेंजेस आते हैं, और जब आप करते हैं प्रैक्टिकली तब आपको समझ आता है कि लाइफ में करने से इसके क्या होता है। अब इसके बाद आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप क्या कैथारेसिस कर रहे हैं। कैथारेसिस मतलब आपने कभी बतख को देखा है, हैव यू सीन डक्स, जब वो बहुत परेशान होती हैं या कुछ होती हैं, वो पानी में अपने जो फ्लैप्स होते हैं उनको जोर जोर से झाड़ के सब चीज़ें अपनी निकाल देती हैं। बट वॉट अबाउट अस, हम क्या बतख के जैसे बिहेव करें और अपने गुस्से को निकालें? नहीं, बहुत सारे तरीके हैं। मैंने पहले वीडियोस में भी हाउ टू कंट्रोल एंगर इसमें भी डिस्कस किया था, और पीछे एक दो वीडियोस और हैं जिसमें मैंने ये देखा था, बताया था हाउ टू फेस एंगर विद स्ट्रॉन्ग ग्रिट। ये उसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि हम अगर चावल को निचोड़ते हैं या अपने पिलो के ऊपर थोड़ा सा गुस्सा निकालते हैं तो वो ज़्यादा बेटर होता है, इट वर्क्स एज अ कैथारेसिस फॉर अस। अब इसके अलावा आपने अगर देखा है कि हमने मेडिटेशन की बात करी, हमने बीइंग प्रेजेंट की बात करी, हमने बात करी एक्सरसाइज की बात करी, म्यूज़िक भी बहुत बड़ी थेरेपी है। म्यूज़िक अगर आप लगा के कोई इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक, कोई मेडिटेशनल म्यूज़िक, कोई अच्छी हाई फ्रिक्वेंसी वाला म्यूज़िक लगा के इफ़ यू गो फॉर अ वॉक, यू आर सॉर्टेड फॉर द डे। आपको बहुत हाई फ्रिक्वेंसी का अपने आप उस फ्रिक्वेंसी पे पहुंच जाते हैं। और अगर आप नेचर में जाएं, नेचर में घूमें, नेचर के साथ रहें, या कुछ आपके पेट एनिमल्स हैं उनके साथ रहें, तो आप देखेंगे उनकी फ्रिक्वेंसी और मेरी फ्रिक्वेंसी, हमारी फ्रिक्वेंसी मिलके उनकी फ्रिक्वेंसी पे, हम हाई फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट करने लग जाते हैं और हमें बहुत अच्छा लगने लग जाता है। तो ये छोटे छोटे से बहुत सारे टिप्स हैं जिससे हमारी जो वाइब्रेशनल जो बॉडी की स्टेट है, माइंड की स्टेट है, वो हाई लेवल पे रहे। क्योंकि अगर आप कभी भी लो फील कर रहे हैं तो हमें पता है कि सिचुएशंस हमें इफ़ेक्ट कर रही है, हमें लोग इफ़ेक्ट कर रहे हैं, तो हमें सिचुएशन ही देखना चाहिए, और देखना चाहिए वो सिचुएशन हमसे अलग है। अगर हम उसको दूर होके खड़े होके देखेंगे तो उसकी पावर हमारे ऊपर नहीं होती है। हम उस थॉट को हावी होने देते हैं अपने ऊपर, जबकि सिचुएशन कोई हावी हमारे ऊपर हो ही नहीं सकती। सिचुएशन इज़ एन ऑब्जेक्ट, बट जो थॉट है उस सिचुएशन को लेके वो हमारे ऊपर हावी होता है। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, किन लोगों में उठ रहे हैं, किन से बात कर रहे हैं, आपकी वाइब्रेशन लेवल क्या है और उनकी लेवल क्या है, उन लोगों से कनेक्ट होइए जिनका वाइब्रेशन लेवल हाई है, जिनसे बात करके आपको बहुत अच्छा लगता है। ये छोटे छोटे से टिप्स हैं और बार बार मैं इनको रिमाइंड करती हूँ। फ्रीक्वेंटली आई कीप पुटिंग सच वीडियोज बिकॉज ये आज की सबसे बड़ी ज़रूरत है। हम बहुत जल्दी, और इस कोविड के टाइम पे तो हमारी, जब भी हम किसी से बात करते हैं तो हमारी जो फ्रीक्वेंसी है या हमारी वाइब्रेशन हम नीचे हो जाते हैं। अभी दो दिन पहले ही मैं किसी अपने रिलेटिव से बात कर रही थी और मैंने कोई न्यूज़ दी उनको, तो वो रोने लग गई। क्यों? क्योंकि बोले अरे इतना ज़्यादा ख़राब चल रहा है समय, ये ख़राब हो रहा है, पैसे नहीं है, ये नहीं है। तो जब पीपल हैव सच काइंड ऑफ थॉट्स अराउंड देम, व्हाट विल हैपन, दे विल वाइब्रेट इन अ वेरी लो फ्रिक्वेंसी। तो हमें बिल्कुल भी ऐसे लोगों से मिलना जुलना नहीं चाहिए, ऐसी चीज़ों का डिस्कशन नहीं करना चाहिए जो हमारे फ्रीक्वेंसी को नीचे लेके जाते हैं, बल्कि हमें उन लोगों में उठना बैठना चाहिए, वो न्यूज़ देखनी चाहिए जो हमें हमारे लेवल को ऊपर लेके जाए। पर हमारी चॉइस क्या होती है? हमारी चॉइस हमारे करंट सिचुएशन को देख के हो जाती है, जबकि हमारी चॉइस हाई फ्रिक्वेंसी वाली होनी चाहिए। होप यू गॉट माई पॉइंट, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। दिस वॉज Seema talking to you. Bye-bye.